नमस्ते टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट. एज पर योर रनिंग क्लास वी डिस्कस अबाउट द पाई चार्ट. टुडे फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द पाई चार्ट. हियर सेक्टर एंगल विद द फिगर इज गिवन. ओके ऑल ऑफ यू सी एज ए एक सर्किल ड्रॉ कर लेना इन विच योर फर्स्ट सेक्टर एंगल इज 120 डिग्री एंड राइट देयर एक्टिविटी एज पेस्ट्री. ओके second is your fruit whose angle is 20 degree second is your fruit whose angle is 20 degree clear hai na. board is not clear. बोर्ड क्लियर नहीं है. अच्छा ठीक है देखते हैं. ओके एक बार डिक्लेयर करता हूं कि हियर पाई चार्ट इज गिवन इन विच एंगल 3 120 डिग्री व्हिच शो पेस्ट्री एंगल 2 व्हिच शो डोसा एंड एंगल 1 व्हिच शो फ्रूट्स देयर वैल्यू इज 20 डिग्री. फिर एंगल 1 2 3 ऑन ए स्ट्रेट लाइन. एक क्या है वो एक स्ट्रेट लाइन पे है ना. यस सर. तो एंगल 2 का वैल्यू आप निकाल लोगे किस तरह से. स्ट्रेट एंगल से कैसे निकाल लीजिएगा. स्ट्रेट एंगल से हाँ लीनियर पेयर. लीनियर पेयर में दो ही एंगल होता है ना. यहाँ तीन एंगल एक स्ट्रेट एंगल पे है स्ट्रेट पॉइंट पे है. तो हाँ 180 से निकालिएगा कितना डिग्री आया बता दीजिए. 40 डिग्री. तो एंगल 1 मिल गया आपको एंगल 2 मिल गया और एंगल 3 मिल गया. अब देखिए कि एंगल 120 और 4 वो भी एक स्ट्रेट लाइन पे है ना. तो 4 को किससे डिनोट किए हैं. 4 से किसको डिनोट किए हैं. आइसक्रीम. वेरी गुड. तो आइसक्रीम का उसका एंगल कितना निकल जाएगा. ना नो 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 एंगल 4 आपका निकल जाएगा. नो नो अच्छा 5 आपका. अच्छा नंबरिंग में गड़बड़ होगा. तो 100 डिग्री जो बोल रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 5 का हमारे अनुसार है 5 पिज्जा है. 5 का डिग्री हो जाएगा पिज्जा का 100 डिग्री और इधर हो जाएगा 60 डिग्री. ठीक है. एंगल 1 20 डिग्री आपका आया. एंगल 2 कितना आ जाएगा 40 डिग्री. एंगल 3 120 डिग्री. एंगल 4 60 डिग्री. एंगल 5 100 डिग्री. सॉरी 100 कह रहा हूं 120 डिग्री. ठीक है.
अब इसमें दिया हुआ है फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक पिज्जा टू डोसा, लाइक पिज्जा टू डोसा. तो सेक्टर एंगल ऑफ डोसा इज 40 डिग्री. ठीक है, तो सॉल्यूशन में जो आएगा कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट, बस उसके सेक्टर एंगल के रेशियो को अगर आप निकालोगे तो वह आपका आ जाएगा क्या, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट का. तो आप में डोसा का एंगल कितना था, सॉरी पिज्जा का एंगल कितना था, 120 डिग्री, 100 डिग्री नहीं बाबू निकलेगा, 120 ही निकलेगा उसका. आप स्टिक का और ये दोनों एक मेल एकदम वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाता है वहां. आप देखो एक बार मिला के देखो, 360 अगर नहीं पूरा है तो गलत आपका 100 आएगा वो. और सेक्टर एंगल डोसा का कितना था, 40 डिग्री. हमको पिज्जा टू डोसा निकालना है, तो पिज्जा का सेक्टर एंगल आपको 120 है और डोसा का सेक्टर एंगल 40 है. इसको आप कट करोगे तो 3:1, 3:1. ठीक है, यहां मेन बताने का मेन उद्देश्य क्या था कि वी हैव नॉट टू नीड फॉर द रेशियो टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट. यू कैन फाइंड द रेशियो विद द हेल्प ऑफ रेशियो ऑफ देयर सेक्टर एंगल. उसके बाद कोई अगर डाउट लग रहा है तो बच्चा बोलो. थोड़ा सा इस क्वेश्चन को लेने में, फर्स्ट पॉइंट में लेने में थोड़ा सा मैं गड़बड़ा दिया आप लोगों को. ठीक है ना, चलिए अब सेकेंड में क्या कह रहा था हमारा कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक आइसक्रीम. सेकेंड में नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक आइसक्रीम. लाइक आइसक्रीम, तो डियर स्टूडेंट आइसक्रीम का कितना है हमारा, वेरी गुड, 60 डिग्री. तो फर्स्ट यू फाइंड आउट द फ्रैक्शनल पार्ट. तो 60/360 पूरे होल का फ्रैक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा 60/360. अब मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 1500. चाहे आपका एंगल दिया हुआ है चाहे पार्ट पार्ट, सबसे पहले फ्रैक्शन निकालना है, फ्रैक्शन को टोटल से मल्टीप्लाई कर देना है. 1500, कितना आ जाएगा, तो 50 है स्टूडेंट. जरा सा अपनी कॉपी दिखा दीजिएगा जो भी बच्चे कुछ बनाए हैं, अगर थोड़ा मुझे सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि मैंने जो बताया वहां तक पहुंच पाया था कि नहीं. अगर नहीं दिखा सकते तो बोल दीजिएगा, कोई बात नहीं. चलिए फर्स्ट कॉपी आ रहा है बिपाशा का. हाँ चलिए, वेरी गुड बिपाशा, जितना डिक्टेट किया उसको आपने बहुत अच्छे से पकड़ा है, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू. और कोई बचा, और कोई बच्चे जो बनाए होंगे बेटा, नाम बताइएगा, एक बार मैं चार ही से देख पाता हूं.
और कोई नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं बिपाशा। आप ऐसा करोगे कि इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे अपना, अपने का, आप अपनी कॉपी का, जरा मेरे पर भेज देना इसको। ओके, अपना नाम और सेक्शन के साथ। चलिए अब थोड़ा सा अपने आप को मूव करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन में ही आप लोगों को बहुत ज्यादा इंगेज कर दिया मैंने। चलिए स्क्वायर रूट निकालिए तो 4225 का बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड, 4225 बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्वेश्चन आपका इस तरह से है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 4225, ओके, एंड यूजिंग दिस फाइंड अंडर रूट 42.25 प्लस 0.4225। सारे बच्चे के पास क्लियर है क्वेश्चन? और कोई बच्चा जवाब? केवल एक बच्चे हमें जवाब दे, और कोई बच्चा? ओके, थैंक यू। योर क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4225 यूजिंग दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 42.25 प्लस अंडर रूट 0.4225। ओके, तो फर्स्ट वी फाइंड आउट द 42,225 का स्क्वायर रूट, मेक इट एज पेयर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। आप पेयर जो बनाओगे कहां से? राइट से लेफ्ट का 42। हियर फॉर द लॉन्ग डिवीजन मेथड व्हेन वी अप्लाई द नंबर इट ऑलवेज बी यूज्ड एज इटसेल्फ। जैसे 4 से आप लगा रहे तो 4 जा, 5 से लगा रहे तो 5 into 5, 6 से लगा रहे तो 6 into 6, 7 से लगा रहे तो 7 into 7। अब जैसे मान लो 6 से लगा रहे हैं तो 6 6 36। अब जिससे लगाते हो उसको फिर प्लस कर लोगे और यहां माइनस 6। ओके बेटा, अब नेक्स्ट पेयर विल बी कंसीडर एज 25। Here we write as 5 times 65, 625। अब यहां देखना है क्या कि here square root of 4225 is 65, so square root of 42.25 का स्क्वायर रूट कितना जाएगा? सिक्स पॉइंट फाइव। और 0.4225 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 0.65। उसके बाद नाउ
under root 42.25 plus under root 0.4225 is equal to 6.5 plus 0.65. आंसर कितना आएगा? सेवन पॉइंट वन फाइव इज योर आंसर. इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा. शैली, ओके, वेरी गुड शैली. यहाँ माइनस प्लस जो प्रोसेस है उसको शो करना पड़ेगा शैली. वेरी गुड तमन्ना, वेरी नाइस. देखो मेरे तीन बच्चे एक्टिव हुए, बिपाशा, शालिन संभव और तमन्ना कुमारी, दो एच से एक डी से. और कोई बच्चे? ये क्वेश्चन तो आप लोगों के पास क्लियर होगा, तब फिर बनाने में क्यों दिक्कत हो रही है? ओके रिलैक्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. मिक्स करके जब क्लास लेते हैं तो कोई बच्चा कुछ बोल रहा था, एक बार फिर से बोलो क्या कहना चाह रहे हो. हाँ तो थोड़ा सा आप लोगों का रिवीजन अच्छे से हो जाएगा ना, रिकॉलिंग पावर आप लोगों का कितना जाता है वो पता चल जाना चाहिए ना. चलिए नाउ क्वेश्चन इज, थर्ड क्वेश्चन इज योर, इफ 3 to the power x minus 1 equal to 9 and 4 to the power y plus 2 equal to 64. 4 to the power y plus 2 equal to 64, then find y by x, then find y by x. फिर से एक बार डिक्टेट कर देते हैं. यहाँ क्वेश्चन है क्या, इफ 3 to the power x minus 1 equal to 9 and 4 to the power y plus 2 equal to 64, then find the value of y by x. यानी पहले आपको क्या निकालना होगा, x और y का वैल्यू, उसके बाद. क्लियर है? ओके. नहीं कहीं पर भी आप लोगों को लगेगा कुछ तो आप लोग बताइएगा, अगर संभव होगा तो तुरंत सुधार कर लिया जाएगा. एक्स का वैल्यू कितना आया बाबू? दैट मीन्स वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 1/3. वेरी गुड. क्वेश्चन सिंपल ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा क्या चेंज करके दिया है. नहीं now y by x equal to 1/3.
चलिएगा, शालीन बिपाशा, चलिए दो बच्चे तो अभी कंटिन्यू चल रहे हैं हमारे साथ। तमन्ना जालसो का, वेरी नाइस तमन्ना। मुस्कान, ओके मुस्कान, मुस्कान एक्स बाय वाई निकाली हो, वाई बाय एक्स निकालना था मुस्कान। ठीक ना, आप क्वेश्चन पर भी ध्यान दीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको थोड़ा सा अलजेब्रा में ले चलते हैं। आप If x to the power 4 plus 1 by x to the power 4 equal to 2, then find the value of x plus 1 by x. Then find the value of x प्लस वन बाय एक्स। थोड़ा सा चेंज कर देना चाहिए था, नहीं अच्छा रहने दी, नहीं टू है, टू एक्स टू द पावर फोर प्लस वन बाय एक्स टू द पावर फोर इक्वल टू टू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वन बाय एक्स। थोड़ा सा चेंज करते हुए चलना है, देख मान लो x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर करोगे तो क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू। ठीक, तो इसको हम चेंज करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, ये फोर है तो हम पहले निकालते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, इसको हॉल स्क्वायर करते हुए इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, एक्स फोर प्लस वन बाय एक्स फोर प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वन बाय एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या क्या हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी पे तोड़ रहा हूँ उसको, एक्स फोर प्लस वन बाय एक्स फोर प्लस टू, इसका वैल्यू दिया हुआ है ना आपको टू प्लस टू यानी फोर, किसका वैल्यू निकला फोर, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर का, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इजकल टू अंडर रूट फोर यानी टू। एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकल गया हमको कितना टू। अब क्या करिए, एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर निकाल लीजिए तो आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू तो निकाले हुए हैं हम लोग, कितना निकाले हुए हैं टू, तो टू प्लस टू फोर, दैट मीन्स एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर इजकल टू फोर, तो एक्स प्लस वन बाई एक्स इजकल टू अंडर रूट फोर दैट इज टू, यानी वन एक्स प्लस वन बाई एक्स का भी वैल्यू टू, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का भी वैल्यू टू, एक्स फोर प्लस वन बाई एक्स टू द पावर फोर का भी वैल्यू टू। समझ में आया, अच्छा अच्छा ठीक, अच्छा ठीक है, जैसे था x टू द पावर 4 प्लस 1 बाय x टू द पावर 4 इक्वल टू दिया हुआ था आपको और निकालना था x प्लस 1 बाय x का वैल्यू। ठीक है, तो हम क्या किए, x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर का वैल्यू पहले निकाल लिए, कैसे, तो x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर का होल स्क्वायर,
is equal to x4 plus 1 by x4 plus 2. यानी उसको जब तोड़ेंगे आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू वी के फॉर्मेट में, तो आपका वैल्यू आएगा x4 प्लस 1 by x4 प्लस 2. अब x4 प्लस 1 by x4 का वैल्यू का दिया हुआ था 2, दैट इज 2 प्लस 2. तो x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर का होल स्क्वायर का वैल्यू आ गया 4. इससे आपका निकल जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर. ठीक है यहां तक? अब क्या किया है, x प्लस 1 बाय x का होल स्क्वायर कर दिया, तो उसका वैल्यू हो गया x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर प्लस 2. फिर x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर का वैल्यू निकाले हुए थे, अभी निकाले थे 2, 2 प्लस 2 4, दैट मींस x प्लस 1 बाय x इज इक्वल टू अंडर रूट 4, दैट मींस x प्लस 1 बाय x इज इक्वल टू 2. दिक्कत हुआ क्या इसमें? हाँ, थोड़ा सा चेंज कर दे, चेंज इसलिए कर दे, अभी तक सीधा था आप लोगों के पास, x प्लस बाय x का दिया हुआ रहता था, x स्क्वायर प्लस वन बाय x स्क्वायर का निकालना रहता था, हम उसको उल्टा कर दें खाली. अच्छा,